हेलो। सो आज हम पढ़ने वाले हैं फंक्शंस ऑफ इंजन। सो बेसिकली इंजन के दो टाइप्स रहते हैं, एक रहता है टू स्ट्रोक इंजन और एक रहता है फोर स्ट्रोक इंजन। ओके, सो टुडे आई डिस्कस टू स्ट्रोक इंजन। सो बेसिकली क्या होता है ना, टू स्ट्रोक बताया मतलब इसमें आपको बताया कि टू स्ट्रोक ही यूज़ होने वाले, जैसे कि रहता है फोर स्ट्रोक अगर बोलना होगा तो उसमें कितने स्ट्रोक यूज होते हैं, फोर स्ट्रोक यूज होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर टू स्ट्रोक बताया गया तो सो बेसिकली इसमें कितने स्ट्रोक यूज हो गए, टू स्ट्रोक ही यूज हो गए। सो आपको मालूम होगा कि वन स्ट्रोक मतलब कितना डिग्री होता है, ये मान के चलो वन स्ट्रोक मीन्स वो वन रिवॉल्यूशन उसका होगा एक 180 डिग्री, अनदर स्ट्रोक में 180 डिग्री मतलब इसका टोटल कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। ठीक है, सो टू स्ट्रोक इंजन में बेसिकली क्या आता है, सिर्फ वन रिवॉल्यूशन और कंप्लीट करते हैं। ठीक है, सो आज हम इसका एक वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में पढ़ेंगे। सो सबसे पहले हम देखते हैं इसका कंस्ट्रक्शन। सो टू स्ट्रोक इंजन में बेसिकली फोर स्ट्रोक यूज होते हैं। फर्स्ट रहता है सक्शन, ठीक है, उसके बाद आता है आपका कॉम्प्रेशन, उसके बाद आता है आपका एक्सपांशन, उसके बाद आता है आपका एग्जॉस्ट। ठीक है, सबसे पहले आता है आपका सक्शन, उसके बाद कॉम्प्रेशन, उसके बाद एक्सपांशन और उसके बाद एग्जॉस्ट। ठीक है, सो टू स्ट्रोक में ये चारों भी ऑपरेशंस होने चाहिए। अगर ये चार ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हमें सिर्फ टू रिवॉल्यूशन चाहिए तो उसको बोलते हैं टू स्ट्रोक इंजन। अगर चार प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए हमको फोर रिवॉल्यूशन चाहिए तो उसको बोलते हैं फोर स्ट्रोक इंजन। तो बेसिकली इस इंजन में क्या होता है ना कि वन स्ट्रोक में हम दो प्रोसेस को ऑपरेट करते हैं। ठीक है, मतलब पहले इसमें क्या हो जाएगा, हम सक्शन और कॉम्प्रेशन कर देंगे वन स्ट्रोक में, और दूसरे स्ट्रोक में क्या होगा, एक्सपांशन और एग्जॉस्ट होगा। ठीक है, यहाँ पर लगेगा दूसरा स्ट्रोक। सो इसका एंगल रहेगा 180 डिग्री का और इसका एंगल रहेगा 180 डिग्री का, मतलब ए हो गया टोटल 360 डिग्री। ठीक है, समझ में आ गया। सो टू स्ट्रोक में क्या आता है, वन स्ट्रोक में हम दो ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं और दूसरे स्ट्रोक में हम दो ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। लेकिन फोर स्ट्रोक में क्या होगा, एक ऑपरेशन के लिए वन स्ट्रोक चाहिए, इसलिए नंबर ऑफ फोर ऑपरेशन के लिए इसको हम क्या बोलते हैं, फोर स्ट्रोक इंजन। ठीक है, सो सबसे पहले इसके जो कंपोनेंट्स रहते हैं वो देख लेते हैं। सो बेसिकली इसमें कंपोनेंट्स रहते हैं, फर्स्ट है इंजन सिलेंडर, सो ये जो आपका जो ऊपर वाला सरफेस है इसको हम क्या बोलते हैं, इंजन सिलेंडर बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कंपोनेंट आता है आपका पिस्टन। ठीक है, सो इसको हम क्या बोलते हैं, पिस्टन बोलते हैं। उसके बाद आता है आपका कनेक्टिंग रॉड, इसको बोलते हैं हम कनेक्टिंग रॉड। उसके बाद आता है आपका क्रैंक, इसको बोलते हैं हम क्रैंक। उसके बाद आता है आपका क्रैंकेस, ये रहा आपका क्रैंकेस, इसको बोलते हैं हम क्रैंकेस। ठीक है, उसके बाद आता है आपका इंटेक पोर्ट, इंटेक पोर्ट इसको बोलते हैं हम इंटेक पोर्ट। फोर स्ट्रोक में इसको वॉल बोलते हैं, टू स्ट्रोक में इसको पोर्ट बोलते हैं। उसके बाद आएगा आपका एग्जॉस्ट पोर्ट, इसको बोलते हैं हम एग्जॉस्ट पोर्ट। उसके बाद आएगा आपका ट्रांसपोर्ट पोर्ट, ट्रांसपोर्ट पोर्ट का काम रहता है जो इंटेक से जो एयर लेगा फ्रेश एयर इसको क्या करना पड़ता है, उसको ट्रांसफर करना होता है। तो ये जो यहाँ पे बताया गया एयर रहता है आपका ट्रांसपोर्ट पोर्ट। ठीक है, सो देखो सबसे पहले इसकी वर्किंग देखते हैं। सो बेसिकली इसमें फोर स्ट्रोक यूज होते हैं। ठीक है, सबसे पहले आ रहा है सक्शन, उसके बाद कॉम्प्रेशन, उसके बाद एक्सपांशन, उसके बाद एग्जॉस्ट। सो अभी देखो यहाँ पे जो ऊपर वाला जो है इसको बोलते हैं टीडीसी, टीडीसी मतलब टॉप डेड सेंटर, और जो नीचे वाला रहता है उसको बोलते हैं बीडीसी, बीडीसी मतलब होता है बॉटम डेड सेंटर। ठीक है, सो क्या होगा यहाँ पे, अप टू बीडीसी टू टीडीसी ये कितने स्ट्रोक परफॉर्म करेगा, दो, सक्शन और कॉम्प्रेशन दो ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। मतलब जब बीडीसी से निकलेगा अप टू टीडीसी तक, मतलब बॉटम से अप टू, मान लीजिए कि बॉटम डेड सेंटर से वो निकला अप टू टीडीसी तक, सो वो क्या करेगा, दो ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। मतलब वो क्या लेगा, सक्शन मतलब एयर को
फ्रेश एयर को इंटेक करेगा, उसके बाद उसको क्या करेगा, वो कॉम्प्रेस करेगा, कॉम्प्रेशन स्ट्रोक में इसको क्या करेगा, कॉम्प्रेस करेगा, ठीक है। सो ये होगा अपना पहला स्ट्रोक, इसमें क्या होगा, दो ऑपरेशन परफॉर्म हुए। सो देखो अभी क्या होगा, ये क्या करेगा, पहले स्ट्रोक में जैसे देखो अभी बी डी सी से इसने स्टार्ट कर दिया ऊपर जाने के लिए, ठीक है, बी डी सी ने इसने स्टार्ट कर दिया आपको ऊपर जाने के लिए वही पहले स्ट्रोक में। सो यहाँ से क्या होगी, आपकी एयर इंटेक हो जाएगी, फ्रेश एयर इंटेक होगी और ट्रांसपोर्ट पोर्ट से कहाँ पे चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी, ठीक है। इंटेक्स ऑल इंटेक पोर्ट से उसने फ्रेश एयर ली और ट्रांसपोर्ट पोर्ट से कहाँ चली गई, ऊपर चली गई, ठीक है, पहले स्ट्रोक में। तो जैसे वो ऊपर चली गई तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, हाईली कॉम्प्रेस हो जाएगी, ठीक है। एक ही स्ट्रोक मतलब बी डी सी से स्टार्ट किया अप टू टी डी सी, यहाँ तक पहुँचते वक्त उसने एयर भी इंटेक की और उसको साथ में क्या किया, उसने कॉम्प्रेस भी कर दिया, ठीक है। ये हो गया पहला स्ट्रोक, सक्शन और कॉम्प्रेशन, फ्रेश एयर इसने इंटेक की और ट्रांसपोर्ट पोर्ट से उसने उसको कॉम्प्रेशन तक पहुँचा दिया। उसके बाद अभी जो नेक्स्ट स्ट्रोक है वो रहेगा आपका टी डी सी से बी डी सी, मतलब टॉप डेड सेंटर से अप टू बॉटम डेड सेंटर, उसमें अभी रिमेनिंग टू ऑपरेशन परफॉर्म होंगे। फर्स्ट है एक्सपांशन, इसको हम पावर स्ट्रोक भी बोलते हैं, और उसके बाद रहेगा एग्जॉस्ट, ठीक है। सो ये रहेगा आपके सेकंड स्ट्रोक में, इसको भी कितना लगेगा, 180 डिग्री का रिवॉल्यूशन लगता है उसको, ठीक है। सो अभी इसमें क्या होगा, जैसे यहाँ पे गैस हाईली कॉम्प्रेस हो गई, यहाँ पे हमने क्या कनेक्ट किया, फ्यूल इंजेक्टर कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, हम इंजेक्टर बोलते हैं, इसको भी ऐड कर दो, एक रहता है फ्यूल इंजेक्टर, ठीक है। क्या होगा, अभी जैसे टॉप डेड सेंटर तक पहुँच गया, यहाँ पे क्या है, हाईली कॉम्प्रेस गैस है, मतलब प्रेशराइज एयर है, जैसे क्या होगा, इंजेक्टर फ्यूल इंजेक्टर से यहाँ पे क्या होगा, फ्यूल क्या होगा, इंजेक्ट होगा, मतलब इसके ऊपर क्या होगा, स्प्रे होगा, जैसे कि जिसके ऊपर स्प्रे हो गया वहाँ पे क्या हो जाएगा, वो बर्न हो जाएगा, ठीक है। फिर जैसे बर्न हो गया वो क्या करेगा, पिस्टन को नीचे की तरफ रख लेगा, नीचे की तरफ मतलब बी डी सी की तरफ, ठीक है, यहाँ से कहाँ रख लेगा उसको, नीचे की तरफ मतलब बी डी सी की तरफ, मतलब जब आपका एक्सपांशन होगा, एक्सपांशन होने के बाद जो आपका जो पिस्टन है वो टॉप डेड सेंटर से वो आएगा बॉटम डेड सेंटर की तरफ, ठीक है। तो साथ में क्या होगा, जैसे एक्सपांशन हुआ हो तो एक्सपांशन होने के साथ में क्या होगा, वो यहाँ के क्या होगा, जो भी अभी अनवांटेड जो गैस रहेगी उसको क्या करेगा, एग्जॉस्ट कर देगा, ठीक है। मतलब अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि रिमेनिंग जो दो ऑपरेशन है वो वन स्ट्रोक में परफॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। मतलब टी डी सी टू बी डी सी, मतलब ऊपर से नीचे आते वक्त एक्सपांशन भी हो रहा, एग्जॉस्ट भी हो रहा, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या होगा, एक्सपांशन हो गया, पिस्टन को नीचे की तरफ धक लेगा, ठीक है। और जैसे भी साथ में क्या होगा, जो अनवांटेड जो गैस है अभी वो बाहर निकल जाएगी, ठीक है। मतलब क्या होगा, सेकंड स्ट्रोक में हमने दो ऑपरेशन परफॉर्म कर दिए, एक्सपांशन और एग्जॉस्ट, ठीक है। पहले स्ट्रोक में क्या होगा, सक्शन और कॉम्प्रेशन होगा, सक्शन में वो एयर लेगा, उसको क्या करेगा, कॉम्प्रेस करेगा। दूसरे स्ट्रोक में क्या होगा, बर्निंग प्रोसेस होगी और साथ में क्या होगा, एग्जॉस्ट भी होगा, ठीक है। सो अभी क्या हो गया, टू स्ट्रोक इंजन का वर्किंग हुआ, लेकिन ये प्रोसेस कैसे रहते हैं, कंटिन्यूसली चलते रहते प्रोसेस रहते हैं, ठीक है। सो अभी फिर से देखो, सक्शन में क्या हो रहा है, जैसे देखो एक साइड से इसने क्या ले, एयर ले रहा है, ठीक है। जैसे लेकिन इधर भी देखो ये क्या कर रहा है, एग्जॉस्ट कर रहा है, मतलब साथ में होगा, कुछ एयर इंटेक होगी और कुछ एयर क्या होगी, एग्जॉस्ट भी होगी। इसलिए देखो यहाँ का जो सर्फेस है ना, इसको हमने क्या, क्राउन शेप रहता है पिस्टन को, टू स्ट्रोक का जो पिस्टन रहता है वो कैसे रहता है, क्राउन शेप का रहता है। क्राउन शेप का इसलिए कि जो एयर है, फ्रेश एयर और एग्जॉस्ट एयर, वो दोनों मिक्स नहीं होने चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर दोनों एयर मिक्स हो गए तो नॉकिंग का प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। सो नॉकिंग का प्रॉब्लम अवॉइड करने के लिए हम क्या, हमने क्या कहता है, पिस्टन का जो शेप है वो कैसा रखता है, क्राउन शेप का रखा है। मतलब क्या होगा, जो फ्रेश एयर आएगी और जो एग्जॉस्ट जो एयर हो रही है वो दोनों मिक्स नहीं होने चाहिए इसलिए। लेकिन उसका जो प्रोपोर्शन रहता है वो बहुत ही कम रहता है, क्योंकि क्या होता है ना, ये जो पिस्टन है ये क्या करता है, इस वॉल को, सॉरी इस पोर्ट को क्या करता है, कवर और अनकवर का काम करता है। जैसे देखो अभी जहाँ पे देखो, जब वो एयर ले रहा है तो एग्जॉस्ट उसने पूरा कवर कर दिया, सॉरी अनकवर कर दिया, मतलब पूरा एग्जॉस्ट गैस का जो बाहर निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन जब क्या होगा, जब आपको एयर लेनी है तब उसने क्या करता है, एग्जॉस्ट को पोर्ट को बंद कर दिया, मतलब तब क्या होगी, यहाँ से एयर आपकी अंदर आ जाएगी, ठीक है। सो ये हो गया टू स्ट्रोक इंजन का वर्किंग प्रिंसिपल। सो बेसिकली हम मतलब इंजन का काम क्या रहता है, उसको क्या करना है, जो रेसिप्रोकेटिंग मोशन है, रेसिप्रोकेटिंग मोशन को
रोटरी मोशन में कन्वर्ट करना है, ठीक है, सिंपल है। रेसिप्रोकेटिंग मतलब क्या, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, इसको हम क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकेटिंग मोशन बोलते हैं। जैसे पिस्टन सिलेंडर क्या करता है, ऊपर नीचे करता है, मतलब कौन सा मोशन है, रेसिप्रोकेटिंग मोशन है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, रेसिप्रोकेटिंग मोशन में, रेसिप्रोकेटिंग मोशन को रोटरी मोशन में कन्वर्ट करना, मतलब उसको घुमाना है। इसको यहाँ पे क्या कनेक्ट रहेगा आपका, क्रैंकशाफ्ट, क्रैंकशाफ्ट के ऊपर हम क्या कनेक्ट करेंगे, जनरेटर, क्योंकि ये हम कहाँ यूज़ करने वाले हैं, डीजल पावर प्लांट में हम इसको यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। सो इसका बेसिकली काम करेगा, जैसे ये क्रैंकशाफ्ट को रोटेट करेगा, क्रैंकशाफ्ट के ऊपर कौन कपल करेगा, जनरेटर, ठीक है। सो जैसे क्रैंकशाफ्ट रोटेट होगा तो साथ में क्या रोटेट होगा, जनरेटर भी रोटेट होगा और इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी, जनरेट होगी। सो बेसिक प्रिंसिपल अपना ये है कि रेसिप्रोकेटिंग मोशन को रोटरी मोशन में कन्वर्ट करना, ठीक है। सो ये होगा डेटा टू स्ट्रोक इंजन का। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा उसमें हम इसका फोर स्ट्रोक इंजन का भी प्रिंसिपल देखेंगे, लेकिन जो डीजल पावर प्लांट है इसमें सिर्फ टू स्ट्रोक इंजन ही यूज़ होता है, फोर स्ट्रोक इंजन यूज़ नहीं होता है, ठीक है। सो अगले लेक्चर में हम देखेंगे फोर स्ट्रोक इंजन के बारे में।